प्रस्तुत करता पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ, प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में रही नरमी, निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा फिसला तो सेंसेक्स 350 अंक टूटा, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक शेयरों में ज्यादा गिरावट। बैंक निफ्टी करीब 350 अंक गिरकर 44,200 पर बंद, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर, आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी बैंक से भी दबाव। फार्मा शेयरों में बिकवाली हावी, खराब नतीजों से एल्कम लैब फिर 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर, तो डीवीज लैब, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और ग्लैंड फार्मा 1-2% गिरे। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आईपीओ दूसरे दिन पूरा भरने में हुआ कामयाब, प्राइस बैंड 187 से 197 रुपए, अनिल सिंह भी की जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से डेटा के गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक, जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा डिजिटल इंडिया ऐप पर जल्द लाएंगे कंसल्टेशन पेपर। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं स्वाति रायना, बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए, माफ कीजिए, सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए, #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत जहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा बाजार, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार तो गिरावट के साथ बंद हुए, बाजार के प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए, सेंसेक्स 365 अंक टूटकर 65,322 के लेवल पर बंद हुआ, निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा फिसला, जबकि बैंक निफ्टी 342 अंक फिसलकर 44,199 के स्तर पर बंद हुआ, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार क्यों फिसले और दबाव कहां से बना। हफ्ते का आखिरी दिन भारतीय बाजारों के लिए बड़ी कमजोरी का रहा, पिछले 2-3 दिनों से मूड तो खराब था ही, और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद बाजार जो घटे उसके बाद ज़्यादा किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद थी नहीं, सिर्फ ये था कि 2 दिनों से एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े जरूर आ रहे थे, लेकिन वायदा कारोबार में दबा कर वो बिकवाली कर रहे थे, और भारतीय बाजारों के लिए दबाव का सबसे बड़ा कारण एफआईएस की बिकवाली था, और उसके बाद हल्का फुल्का ग्लोबल मार्केट्स का घटता हुआ सपोर्ट। ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट बहुत ख़राब थे, अमेरिका ऊपरी स्तरों से थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ कल, महंगाई के आंकड़े आने के बाद अमेरिकी बाजार 500 पॉइंट से ज़्यादा उछले, ज़्यादातर बढ़त उन्होंने गंवा दी, फिर भी हरे निशान में ही बंद हुए, सो ऐसा ग्लोबल संकेत बहुत ख़राब नहीं, डाउ फ्यूचर्स भी ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में एफआईएस की तरफ से जो तगड़ी बिकवाली चल रही है, तगड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैश में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वायदा कारोबार में लगातार बिकवाली बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो आज जब सारे ट्रिगर्स निकल गए, आरबीआई की पॉलिसी चली गई, वीकली एक्सपायरी हो गई, इधर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आ गए, सब कुछ ठीक होने के बावजूद आज जो सेशन था वो दो लिहाज से बड़ा अहमियत वाला था। एक, डिमांड सप्लाई पर ही आज बाजार को ट्रेड करना था, अगर बिकवाली है तो घटना ही पड़ेगा और खरीदारी है तो ठीक। दूसरा ये कि आज की क्लोजिंग जो थी वो वीकली क्लोजिंग थी, और वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे बाजार ने बेहद निराश किया है। आज जो क्लोजिंग आई है 44,500 के नीचे की बैंक निफ्टी पर, ये लगभग 30 ट्रेडिंग सेशन के बाद आई है, तो आप सोचिए करीबन 5-6 हफ्ते तक आप 44,500 के नीचे बंद नहीं हुए, तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बेहद ख़राब है। अब आइए निफ्टी, 19,500 के नीचे निफ्टी भी आज बंद हुआ है, 3 अगस्त के बाद यानी 6-7 दिन ऊपर बंद होने के बाद आज पहली बार
19500 के नीचे बंद हुआ। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार में हल्का सा बिकवाली का दबाव बन गया है और जो क्लोजिंग हुई है वो खराब लेवल पर हुई है। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है, लेकिन रिजल्ट सीजन जोरों से चल रहा है तो अभी तक तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते जब रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा तो 16 अगस्त के बाद बाजार में एक्शन अलग तरीके का नजर आएगा। लेकिन कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन हल्के बाजार ट्रिगर सारे निकल जाने के बावजूद, ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली का कोई खास प्रेशर नहीं होने के बावजूद, अगर भारतीय बाज़ार इतने कमज़ोर होकर दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए, इसका मतलब साफ है कि FIs की तरफ से बिकवाली का दबाव है और ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन को लगातार कम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब श्रीकांत जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन तो बाजार के लिए खास नहीं रहा, अब समझना चाहेंगे नए हफ्ते में बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हम जाने और साथ ही क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुड इवनिंग। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को अगर हम पिछले अगर दो हफ्ते से देखेंगे तो एक इसमें दबाव बना है और ये दबाव इस बार थोड़ा और बढ़ते हुए हमने देखा, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक तो क्रेडिट पॉलिसी के जो आउटकम थे, जो इंक्रीमेंटल CRR बढ़ के आया है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा प्रेशर बना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारा मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट्स को कई हद तक ज्यादा फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से आज के दिन में भी हमने अच्छी खासी नरमी देखी, यानी कोई पुल बैक नहीं था। अगर वर्ल्ड मार्केट्स में अगर तेजी लौटती है, अगर वहां पे अगर पुल बैक बनता है, तो मुझे लगता है कि वापस हमारे मार्केट्स यहाँ से बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद हम एक बार मार्केट में 19,200 के लेवल्स देख सकते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 200-250 पॉइंट दूर है। अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेलिंग प्रेशर बना है वो 20 दिन के एवरेज का बना है, विच इज अराउंड 19,650। अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें लगता है कि मार्केट एक बार वापस 19,800 से लेकर 19,900 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में भी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर है। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि अगर प्रेशर और जारी रहा तो शायद 43,750 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट ओवरऑल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और अगर 19,200 के लेवल्स अगर निफ्टी दिखाता है तो उस वक्त बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, लेकिन जो बाइंग करना है वो थोड़ा सा और यहाँ से हम डिफर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से थोड़ा और आगे डिफॉल्ट लेवल्स पे, यानी कि 19,200 पे जाके कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी श्रीकांत जी की तरफ से बाजार पर। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी श्रीकांत जी से जान लेते हैं। श्रीकांत जी, फिलहाल पोजिशनल ट्रेड किसी को लेना हो तो कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? तो देखिए, मार्केट करेक्ट हो रहा है और मार्केट करेक्ट होने के बाद हमें उन स्टॉक्स में वापस री एंट्री या तो पोजिशन करने के लिए मौका मिल रहा है, जहां पे हमें लग रहा था कि काफी अच्छा मौका है इनमें इन्वेस्ट करने का। तो करेक्शन आ रहा है तो मुझे लगता है कि जो जितने भी बैंक स्टॉक्स हैं यहाँ पे वापस फोकस किया जा सकता है, स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक जो 62-63 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर PNB करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 59 और टारगेट्स रखने पड़ेंगे तकरीबन 70 और 75 के। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 70 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है। वैसे ओवरऑल PSU बैंक्स में स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और PNB बैंक, हमें चारों बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर मार्केट्स में, अगर जैसे आपने बताया कि ट्रिगर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौटे, तो यहाँ पे भी हम अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। जी, तो पंजाब नेशनल बैंक में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की ओर से। श्रीकांत जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है? बिल्कुल, तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी स्टॉक को खरीदना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि पावर सेक्टर में एक अच्छी तेजी बनी है और जारी रहेगी। यहाँ पे हमें लगता है कि NTPC जो 213-214 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, आज ही के दिन में वो एक्स डिविडेंड भी हुआ है तो 213-214 के करीब मिल रहा है। शायद अगले हफ्ते अगर थोड़ा और अगर करेक्शन होता है और अगर स्टॉक 210 या 208 के करीब अगर मिलता है तो बिल्कुल करंट लेवल से या तो करेक्शन में इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं अराउंड 200 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे कम से कम 275 से लेकर 300 रुपए के।
तो करंट लेवल से एनटीपीसी को लॉन्ग किया जा सकता है विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया एनटीपीसी में रखने की सलाह श्रीकांत चौहान जी की राय आ रही है। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं, आगरा से कपिल शिवम हमारे साथ है। नमस्कार कपिल जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरे पास आईटीडी सीमेंट स्टेशन के 1072 शेयर्स हैं 165 से। ओके, कब तक के व्यू के लिए? ये सब मैम लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आईटीडी सीमेंटेशन पर इनकी खरीदारी की राय जानना चाह रहे हैं फिलहाल। ओके, बताइए श्रीकांत जी, मुनाफा तो इन्हें है, लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या लेवल्स देखते हैं स्टॉक का और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इनकी? बिल्कुल, तो देखिए ये जो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है अभी वहां पे अगर देखा जाए तो आने वाले सालों में हमें लगता है कि और भी मोमेंटम रहेगा, और भी तेजी बनेगी, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस अपने प्रीवियस हाईस को यानी कि 225-235 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 270 या 275 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे मोमेंटम है, करंट लेवल्स पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटीज में बढ़ती जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि इस मार्केट्स में यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें, हमें लगता है कि कम से कम आपको 275 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, आईटीडी सीमेंटेशन में आपके लिए राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। अगले कॉलर चेन्नई से अशोक कुमार हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास तीन स्टॉक है मैडम। एक पुना वाला पिन कॉर्प है, 450 क्वांटिटी है, 272.42 का प्राइस है मैडम। दूसरा सांगवी इंडस्ट्री है, 1500 शेयर है, 85.09 का है मैडम। तीसरा शेयर है टाटा मोटर मैडम, 250 क्वांटिटी है, 433 का है मैडम। सभी लॉन्ग टर्म है। ओके, लॉन्ग टर्म के तीन स्टॉक्स सांगी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और पुनावाला फिनकॉर्प। एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे आपसे श्रीकांत जी, तो इनके लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आपको सबसे बेस्ट लग रहा है और क्या रहना चाहिए इनके लिए इन स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि जो तीनों स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो तीनों स्टॉक या तीनों कंपनियां इनका जो प्रदर्शन आ रहा है वो काफी अच्छा है, और हमें लगता है कि इनमें मोमेंटम और भी जारी रहेगा। नो डाउट कि पुनावाला फिनकॉर्प में थोड़ी अच्छी हमने एक बढ़त देखी है, अच्छी एक्टिविटी देखी पिछले कई महीनों में, और अभी करंट लेवल्स पे हमें लगता है कि थोड़ा ये पॉज ले सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक आधा मुनाफा वसूला जा सकता है। तो 50% आप इसमें से आपके प्रॉफिट को ले सकते हो, थोड़ा आपका कॉस्टिंग और भी कम हो जाएगा। सांगी इंडस्ट्री में भी मुझे यही लग रहा है कि करंट लेवल से उसमें काफी अच्छी एक्टिविटी हमें देखने मिली है, तकरीबन 65 के करीब ये ट्रेड कर रहा था, अभी 110, 120, 112 के करीब आ चुका है। तो इन लेवल्स पे भी इसमें से भी आप कुछ मुनाफा बिल्कुल वसूल कर सकते हैं, यानी कि 50% आप बिल्कुल एक बार मुनाफा वसूल करें और आपके कॉस्ट को कम करें। बट इसके अलावा जो आपने टाटा मोटर्स की बात करी, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अगर और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे और भी कमाई के मौके रहेंगे, और ये स्टॉक हमें लगता है कि 700 से लेकर 725 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तीनों को आप होल्ड भी करके चल सकते हैं, लेकिन चूंकि काफी अच्छे गेन्स मिल रहे हैं तो सांगी इंडस्ट्रीज के साथ साथ पुनावाला में आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। जी, तो आपके तीनों स्टॉक्स पर आए रही है श्रीकांत जी की। अगले कॉलर हमारे साथ है राजकोट से भावेन मेहता। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास एआई इंजीनियरिंग के 75 शेयर है जो 2000 के प्राइस पे है। टाटा इन्वेस्टमेंट के 80 शेयर है वो 1500 के रेट पे है, और फाइन ऑर्गेनिक वो 40 शेयर है जो 3500 के लेवल पे है। मैं लॉन्ग टर्म जानना चाहता हूँ। ओके, एआई इंजीनियरिंग आपके पास 2000 के भाव पर है जिसमें आपको मुनाफा है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प आपके पास है और पाइन ऑर्गेनिक्स पर सवाल जानना चाह रहे हैं, श्रीकांत जी क्या करें? तो देखिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमें ऐसे देखने मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स के पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो डीप इन द मनी है, और मैं कहूंगा कि इससे अच्छा और
मार्केट के लिए कौन सा साइन हो सकता है? बिकॉज अगर आप देखें तो जब डीप इन द मनी इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है कि उसे उस इन्वेस्टमेंट से निकलना है, और जब ऐसा प्रेशर नहीं होता है तो मार्केट में एक मैं कहूंगा कि जो करेक्शन आता है वो शैलो करेक्शन होता है, माइनर करेक्शन होता है, और उस करेक्शन के बाद वापस हम मार्केट में तेजी देखते हैं। अगर इन तीनों स्टॉक्स को अगर आप देखें तो फंडामेंटली तीनों में कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तीनों सेक्टर्स में अच्छी तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि तीनों सेक्टर या तीनों स्टॉक्स को हम होल्ड करके चल सकते हैं। बट यस, चूंकि मार्केट वैसे देखा जाए तो काफी चला हुआ है, तो करंट लेवल से अगर आपको AI इंजीनियरिंग में अगर कुछ मुनाफा मिल रहा है तो उसे आप थोड़ा सा बिल्कुल बुक करके चल सकते हैं, सो दैट आपकी कॉस्टिंग और भी कम हो जाए। तो AI इंजीनियरिंग में से आप कुछ मुनाफा वसूल करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं आप उन्हें होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो AI इंजीनियरिंग में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, फाइन ऑर्गेनिक्स और टाटा इन्वेस्टमेंट में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नासिक से संजय जी हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास एडीएस सीमेंट के 225 शेयर से एट द रेट ऑफ 180 6 मंथ का व्यू है। कब तक क्या करना चाहिए? कब तक का व्यू? 6 मंथ के लिए। ओके, 6 महीने का व्यू इंडिया सीमेंट पर रख रहे हैं, 15,000 का मुनाफा इन्हें है, क्या लेवल्स आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करें इस स्टॉक में, और क्या स्ट्रेटजी रखें? तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि इस बार अगर आप देखें तो कई सारे सीमेंट कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जितने भी स्मॉल कैप या मिड साइज सीमेंट कंपनीज जैसे कि स्टार सीमेंट है, सागर सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ओरियंट सीमेंट, अगर आप इन सभी जितने भी मिड साइज या स्मॉल साइज सीमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, एक सॉलिड अपट्रेंड हमें देखने मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया सीमेंट के साथ साथ ओरियंट सीमेंट, इन दोनों में आउट परफॉर्मेंस बना है। हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट को बिल्कुल करंट लेवल से भी होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो फॉर्मेशन बना है उसी के तहत ये शायद एक बार स्टॉक 290 से लेकर 300 के उसके ऑल टाइम हाईज दिखा सकता है। तो इस बार का जो फॉर्मेशन है वो काफी प्रॉमिसिंग है, और करंट लेवल से भी अगर आप इसे होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है कि 20-25% की तेजी आने वाले कुछ 6-8 महीने में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो इंडिया सीमेंट्स होल्ड करने की सलाह आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। हिंगन घाट से उमाकांत जाधव हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैम मेरे पास में पंजाब बैंक के 359 शेयर है, 50.65 रुपए के भाव से, तो क्या मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ अभी के व्यू के लिए? एक साल के लिए। ओके, एक साल के लिए। ओके, पीएनबी पर फिर से चर्चा करनी पड़ेगी श्रीकांत जी, आपका पोजिशनल व्यू भी है पीएनबी पर, साल भर के नजरिए के लिए आप क्या लेवल्स देखते हैं स्टॉक के? तो देखिए, अगर इस बार अगर जितने भी बैंक स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आया है वो काफी हद तक मैं कह सकूंगा कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और नो डाउट कि इस बार के क्वार्टर्स में थोड़े सी जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम थी वहां पे थोड़ा सा हमने कुछ एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि जितने भी PSU बैंक्स हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स अभी भी काफी सस्ते चल रहे हैं, और आने वाले 6-12 महीने में हमें नहीं लगता कि कोई बैंक सेक्टर के ऊपर बड़ा डेंट आ सकता है। अगर कोई बड़ी दिक्कतें अगर बैंक सेक्टर पे नहीं है तो हमें लगता है कि ये जितने भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है वहां पे हमें लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यूएशन का एक मोमेंटम बन सकता है और वैल्यू बाइंग आ सकता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक शायद 75 से लेकर 78 के लेवल्स दिखा सकता है, जो डिसेंट 20-25% की तेजी यहाँ से भी दिखा रहा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके चले, अगर कोई भी करेक्शन आता है तो जो आपने आपकी जो एक क्वांटिटी बना के रखी है 359 आप उसे 500 में कन्वर्ट करके चल सकते हैं। जी, तो नहीं स्टॉक पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा हमारे साथ होंगी शो में शामिल, और उनसे जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखें खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से।
जहां तक सोमवार का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्त ट्रेड कर रहे थे, मुश्किल से 8-10 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, और वैसे हम जहां बंद हुए हैं वो लेवल तो बहुत ही खतरनाक है, 19,500 के नीचे निफ्टिंग की क्लोजिंग और 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग शॉर्ट टर्म के लिए मूड खराब करती हुई दिख रही है। अब अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आई थिंक अगला बड़ा सपोर्ट जो निफ्टी को मिलेगा वो 19,375 के आसपास मिलेगा, 19,300 के नीचे जाने पर कमजोरी और बढ़ेगी। ऊपर की तरफ अब 19,550 आपके लिए रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,175 अब अगला सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 44,500 से 44,700 की रेंज है जहाँ पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है बाज़ार, बस एक ही चीज़ अच्छी कि बाज़ार में पोजीशंस थोड़ी सी हल्की है, पुट कॉल रेशियो के लिहाज से थोड़े ओवर सोल्ड हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मंदी की पोजीशन थोड़ी सी ज़्यादा है। सो देखते हैं इन सब के बीच में ग्लोबल सपोर्ट के दम पर या ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर हम सोमवार को शुरुआत करेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर हो गए तो फिर हमारे लिए ऊपर टिकना मुश्किल है, और अगर मजबूत रहे तो एक बार गैप से खुल भले जाएंगे लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना पूरी पूरी है। और जब तक FIIs की बिकवाली पर लगाम ना लगे या एक दो दिन आपको अच्छे नंबर आते ना दिखे, तब तक बाजारों के लिए ऊपर बढ़ना और टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। और आइए सोमवार के ऑप्शन की स्ट्रेटजी जानते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा है। शिवांगी स्वागत करते हैं आपका, कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको सोमवार को? जी नमस्कार, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है अब कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में, वीकली स्ट्रक्चर थोड़ा कंसोलिडेटिव टू नेगेटिव यू नो प्रतीत हो रहा है। बैंक निफ्टी जो है उसने अपना एक क्रूशियल यू नो सपोर्ट भी तोड़ा है, तो बाजार में यू नो सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ रहने का यू नो वो रहेगा। तो पहला जो पिक है वो है स्टील स्पेस में से, वो है जिंदल स्टील। हमने देखा है इसमें काफ़ी अच्छा एक्शन है, और ये पूरे जो बाजार में ये सेक्टर जो है बाजार के साथ एक इन्वर्स कोरिलेशन रखता है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे 700 के कॉल ऑप्शन के में खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम इसको 20 के आसपास खरीदे, 15 के स्टॉप लॉस के साथ और एक 30 के लक्ष्य के लिए। दूसरा कॉल मेरा रहेगा टाइटन पे। इस स्टॉक में हमने एक लंबे ही कंसोलिडेशन देखा है, और इसके बाद ये स्टॉक जो है प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ आज काफी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखा है वीक के एंड में। 3000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, कम से कम 68 के आसपास का लक्ष्य जो है 115 बनेगा, और स्टॉप लॉस 34 के लिए। बिल्कुल, तो शिवांगी सारदा की दो ऑप्शन स्ट्रेटजी है स्टॉक में। एक बार फिर से एक क्विक अगर आप अपने लेवल्स रिपीट कर दें शिवांगी हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, जिंदल स्टील के लिए हम 700 के कॉल में खरीदारी करेंगे 20 के आसपास, 15 के स्टॉप लॉस के साथ और 30 के लक्ष्य के लिए। और टाइटन में 3000 के कॉल के ऑप्शन में हम खरीदारी करेंगे, 68 के आसपास इसको खरीदे, 115 के लक्ष्य के लिए 44 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, धन्यवाद करेंगे आपका शिवांगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारी आज की एक्सपर्ट शिवांगी शारदा की तरफ से ऑप्शन स्ट्रेटजी। श्रीकांत जी, आपके नजर में सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर एक्टिविटी बनती है इस मार्केट में, तो आज के दिन में भी जब मार्केट में अच्छा खासा एक बिकवाली का ट्रेंड बना हुआ था, तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी, और अगर इनके नंबर्स अगर आप देखें ओवरऑल, तो मुझे लगता है कि इनमें और भी हमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी आने वाले कुछ महीनों में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के व्यू से या शॉर्ट टर्म के भी व्यू से अगर किसी एक सेक्टर के ऊपर अगर ध्यान रखना है तो हमें लगता है कि सीमेंट है। करंट लेवल से अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्ग किया जा सकता है। आज अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न इसमें बना है, मल्टीपल टाइम्स इसने 8050 के करीब सपोर्ट लिया है, और आज का जो रिवर्सल पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये 8130 से लेकर स्टॉक वापस एक बार 8350 या 84 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 8130-8140 के रेंज में अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 8040 का जो आज के इसके लोवेस्ट लेवल्स थे, और टारगेट्स रखें यहाँ पे 8350 के 8350। जी तो ये रही इंट्राडे स्ट्रेटजी अल्ट्राटेक में रखने की।
हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की ओर से धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।